पर किंग सेना के तत्वाधान में 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज मंगलवार को होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बताया कि सर्व हिंदू समाज को संगठित करने में युवाओं की भागीदारी अहम है। संगठन में संगठित करते हुए जागृत करने के अवसर पर हर प्रकार के खेल में संभव है। इसी के तहत किंग सेना के तत्वाधान में 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही है। सभी टीमों के कप्तानों को बुलाकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया तथा इस प्रतियोगिता में आयोजकों ने लाइव स्कोर की भी व्यवस्था की, जो दुनिया के किसी भी कोने से लाइव प्रतियोगिता देख सकती है। इसके लिए मैदान में कंप्यूटर व नेट के साथ काम करती टीम नजर आती है। स्कोर वो से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आयोजन समिति ने एक लिंक बना रखा है, जिसे लाइव चलता रहेगा। इस दौरान महासचिव सुनील निमावत, मीडिया प्रभारी संजय सिंह चुंडावत, गोपाल सिंह बिजोलिया, भगवत सिंह नादाना, युवा मोर्चा अध्यक्ष लव गुजर, प्रकाश बोरीवाल, उप सरपंच भूपेंद्र गुजर आदि उपस्थित थे। प्रतियोगिता आप करा रहे हो, उसका मेन मकसद और कराने का जो उद्देश्य है उसके बारे में सक्षम में जानकारी दी है। जय श्री राम। एमपीएल 2021 माओले प्रीमियर लीग, इसके कराने के पीछे हम किंग सेना का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देके जो आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है उसमें एकता और सामंजस्य का स्थापन करें, जिससे वो एक साथ इस राष्ट्र हित के लिए कार्य कर पाए। हम चाहते हैं कि किंग सेना ऐसे आयोजन द्वारा हिंदुओं को एक करे और हिंदुओं में जात पात की जो कुरीतियाँ चल रही है उसको मिटाने में अपना कुछ एक ठोस कदम उठा पाए। और इसके साथ ही मैं किंग सेना के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो संस्थापक साहब है कुंवर राव गगन सिंह जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सपना देखा है कि हिंदुत्व के साथ समाज सेवा, समाज के हर वर्ग और हर पिछड़े वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, समाज में हम सबका जो जरूरतमंद है उनकी समाज सेवा के लिए भी हमेशा हम आगे रहेंगे और किंग सेना हमेशा उनके साथ रहेगी। जय श्री राम। इसके अलावा और कोई जिलों में भी करना चाहोगे आप? इसके अलावा और कोई दूसरे जिलों में भी? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि बांसवाड़ा में अभी डूंगरपुर, पाली, राजसमंद इस तरफ हमारा भी संगठन का कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी हम उधर भी कार्य स्टार्ट करेंगे। इसी कड़ी में बताना चाहूंगा बिलूड़ा गांव है जो डूंगरपुर के आसपास सागवाड़ा में आता है, उसमें हमने भी वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई है। वहां पर भी सर्व हिंदू समाज वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी जिसमें 40 टीमों ने भाग लिया था। इस प्रकार किंग्स ने आगे और भी अच्छे अच्छे काम करेगी जो सिर्फ सर्व समाज हित में होगा। क्या ये संभाग लेवल पे ही है या पूरे ऑल ओवर राजस्थान के? ऑल ओवर राजस्थान में चलेगा और हमारा मकसद है कि हम ऑल ओवर इंडिया में इस संगठन को इतना मजबूत करें कि हर जगह किंग सेना का नाम हो। किंग सेना का नाम के पीछे मैं बताना चाहूंगा हमारे आराध्य देव श्री नरसिंह जी भगवान है, तो हमारी टैग लाइन यही है किंग तो वो नरसिंह बाकी सब सेना। जैसे हर हिंदुओं के अंदर एक शेर है लेकिन आज वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हम चाहते हैं कि भगवान नरसिंह जी जैसे इन हिंदुओं में भी वो शेर जागृत हो, वो हिंदुत्व के लिए वो आज आके खड़े हो। किंग सेना के पीछे की जो आहट जो आ रही है लोगों के बीच में, जो इतने कार्य कर चुकी है या कर रही है, जिस तेजी से ये आगे बढ़ रही है, उसके पीछे कुछ राजनीतिक कदम भी उठाने का है क्या? नहीं सर, राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। हमारा सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू हित और समाज सेवा का विचार है। राजनीति का हमारा कोई मूड नहीं है और ना कभी भविष्य में हमारे आने का अभी